कार्टेस्टोलॉल लेवल क्या होता है कॉर्टेसोल आपकी बॉडी का स्ट्रेस हार्मोन होता है और अक्सर लोग जब समझते हैं ना स्ट्रेस हार्मोन तो वो कहते हैं उसको जिसमें होना ही नहीं चाहिए <laughs> ऐसी बात नहीं है कॉर्टेस्ल से रिलेटेड दो प्रॉब्लम सामने आते हैं एक कार्टिसोल का बहुत ज्यादा होना और बहुत अरसे तक क्रॉनिकली ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स आपका कॉर्टेसोल ज्यादा रहे कोर्टेस्ल का खत्म हो जाना है जिसको अड्रम फटीक कहते हैं अपनी तो डाइट में ऐसी चीजें इंक्लूडेड रखें जो आपकी बॉडी में स्ट्रेस ना बढ़ाएं hmm. जितने भी शुगरी आइटम्स हैं वो आपकी बॉडी में इंसुलिन का लेवल रेस करते हैं जो भी चीज इंसुलिन का लेवल रेस करती है वो कार्टिसोल का लेवल भी रेस करती है तो ये जिसमें बायोमेडिकल

ब्लड शुगर लेवल जो है ऐसे लोगों का हमेशा आपके पास हाई होता है एंगजाइटी रहती है एजिटेशन रहता है और जब इस स्ट्रेस को वो बहुत अरसा उठाते रहते हैं तो कॉर्टिसोल क्रैश होना शुरू हो जाता है और इस कंडीशन को आप एडिसंस डिजीज कहते हैं okay. और जब कॉर्टिसल क्रैश होना शुरू होता है ना तब फिर कमजोरी और वीकनेस और आपके पास वेट लॉस स्टार्ट होता है एजिटेशन फिटीक इस केस में भी रहती है hmm. वैसे लोग होते हैं ना जो इतना सा भी स्ट्रेस हैंडल नहीं कर सकते यहाँ स्ट्रेस आया और वो फट गए ठीक है hmm. Hmm. उसका मतलब ये होता है कि उनकी बॉडी बहुत अरसा स्ट्रेस बर्दाश्त कर चुकी है कॉर्टेसोल खत्म हो गया कुछ है नहीं है उसको डील करने के लिए लेकिन वो वेट लॉस की तरफ होता है आ, इसको मैनेज करने का बेहतरीन तरीका जहां पर जाने माने स्ट्रेस फैक्टर्स जो आपकी लाइफ में हैं ठीक है कुछ लोग भी तो आपकी जिंदगी का सर दर्द होते हैं ना उनसे दूर रहना ठीक है उसके साथ साथ बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी डाइट में ऐसी चीजें इंक्लूडेड रखें जो आपकी बॉडी में स्ट्रेस ना बढ़ाएं जितने भी शुगरी आइटम्स हैं वो आपकी बॉडी में इंसुलिन का लेवल रेस करते हैं जो भी चीज इंसुलिन का लेवल रेज करती है वो कॉर्टिसोल का लेवल भी रेज करती है तो ये जिस समय बायोमेडिकल स्ट्रेस बढ़ाते हैं इमोशनल स्ट्रेस तो अलग एक हो गया ना ये आपके पास बायोमेडिकल स्ट्रेस आ गया दूसरा अल्लाह ताला के बनाए ऐसे खाने जो आपके जिस समय स्ट्रेस हार्मोन लेवल रेगुलेट करें उनको जीस कहा जाता है अडेप्टिन्स अपनी डाइट में इंक्लूडेड रखें अश्वगंधा को किंग ऑफ हर्ब्स कहा जाता है क्योंकि ये मर्दों का सबसे बड़ा अडेप्ट जिन है हुँ। और शतावरी को क्वीन ऑफ हर्ब्स कहा जाता है जड़ी बूटी को क्योंकि औरतों की सबसे बड़ी अडेप्ट है दोनों के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है मर्दों औरतों के लिए बल्कि मेरा तो अपना प्रोडक्ट भी है ब्रांड का जिसमें मैंने शतावरी वगैरह माशाला पूरे पाकिस्तान में क्लाइंट से फेज हो रहे हैं तो जो लोग लेना चाहें वो मेरी वेबसाइट पर जाकर उसको ऑर्डर कर सकते हैं, www तो अवेलेबल है लेकिन खाली जड़ी बूटियों के साथ साथ ये बहुत है कि आप अपना भी हुँ, करें. हुँ. अगर आप जड़ी बूटी ले रहे हैं आप हारमोलेंस एग्जाम्पल आप पूरी रात जाग रहे हैं आपकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन मैनेज नहीं होगा स्ट्रेस हार्मोन आपका तब मैनेज होगा जब आप रात को दस ग्यारह बजे के बाद सोएंगे आपका बायोलॉजिकल क्लॉक ठीक होगा जब आपका बायोलॉजिकल क्लॉक ठीक होगा तो आपका डिनर ग्लैंड को पता होगा कि उसने सही टाइम पे कॉर्टिसोल रिलीज करना सही टाइम पे रोकना है अब बहुत सारे लोग अपनी लाइफ की लापरवाही की वजह से भी अपना स्ट्रेस हारमोन ज्यादा कर बैठते हैं अब यंगस्टर्स आजकल हफ्ता कितना रिवाज है पूरी पूरी रात जागेंगे yes. फिल्में देखेंगे मूवियां देखेंगे मिडनाइट स्नैकिंग करेंगे अब ये जवान बॉडी है जो बिल्कुल ठीक है अब क्या होता है कि जब आप 11 बजे के बाद एक रात भी जागते हैं तो आपकी बॉडी में लेवल 33 तो टू कॉर्टसोल जो है वो ऊपर चला जाता है एक रात से अब सोचो कोई इंसान 20 साल की उम्र से लेकर चालीस साल की उम्र तक की लाइफ करेगा तो चालीस साल की उम्र में उसकी बस होगी ना उसका तो कॉर्टिसोल खराब होना है आप यकीन करें कि मेरे पास आती है मेरी हम उम्र औरतें हैं जो कि मैं हैरान रह जाती हूँ जब बाकी वाकई मेरी उम्र की होती है बट आई एम अमेज बिकॉज यू नो इतने सालों से उन्होंने

भी है।, है और फिर उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट आप मैनेज कर सकते हैं लेकिन एक काबिल डॉक्टर सिर्फ पांच मिनट आपको सामने बिठा के आपको बता सकते हैं आपको ऊपर है या नीचे है <laughs>